हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ में मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं बड़ा इमाम बड़ा और भूल भुलैया। दरअसल ये जो ब्लॉग है मैं आपको दो पार्ट में दिखाऊंगा, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ा इमाम बड़ा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है जो लगभग 250-300 साल पुराना है। और उसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जो पार्ट टू होगा वो भूल भुलैया दिखाऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, देर करने से पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और हर एक व्यू देने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, साथ में अब हम एक्सप्लोर करते हैं बड़ा इमाम बड़ा। दोस्तों, नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर की संस्कृति और समृद्ध विरासत का भी प्रतीक रहा है। इसका निर्माण 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत अवध क्षेत्र के नवाब आसफ उद दौला द्वारा कराया गया था। यहाँ पर नवाब की कब्र भी आपको देखने को मिलेगी और उसी कारण से इसको आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़ा की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफी मिलती जुलती है और इसको दुनिया की सबसे बड़ी पांचवीं मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों, अवध क्षेत्र के अंदर वर्ष 1784 में भयंकर अकाल पड़ा और जिसके बाद राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण भी शुरू किया गया था, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लोग वहां पर गरीबी के हाल में पड़े हुए थे। तो कहा जाता है कि इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। 11 साल तक इसका निर्माण होता गया और 11 साल तक ही अकाल रहा था। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि 11 साल लगे इसको बनने में, क्योंकि उस समय में नवाब ने यह फैसला किया था कि इसको दिन में बनाया जाएगा और रात को तोड़ा जाएगा, ताकि लोगों का रोजगार छिने नहीं। नवाब चाहते तो उन्हें ऐसे भी पैसे दे सकते थे बिना काम किए, बिना तोड़े इसको जल्दी बनवा लेते, लेकिन 11 साल तक ऐसे भी पैसे दे सकते थे। लेकिन लोगों को लगे कि मतलब लोग खुददार हैं और ये नहीं लगे कि भीख दे रहे हैं, इसलिए ये कारण था कि इसको सुबह बनाया जाता था, रात को तोड़ा जाता था। यही कारण था इसको बनाने में लगभग 11 साल लग गए थे। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा के अंदर जब हम जाएंगे तब हमें यहाँ पर चाइनीज हॉल देखने को मिलेगा। इस हॉल का नाम चाइनीज इसलिए भी पड़ा क्योंकि इसकी जो पूरी छत है वो चाइनीज के जो प्लेट होती हैं उसकी तरह पूरी डिजाइन की गई है। आप देख सकते हो इसकी छत बिल्कुल चाइनीज प्लेट की तरह डिजाइन की गई है। और चाइनीज हॉल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि नवाब उस समय चाइनीज बर्तनों में चाइनीज प्लेट में खाना खाया करते थे, ताकि कोई अगर पॉइजन भी मिला दे तो चाइनीज प्लेट में क्या होता है, पॉइजन चढ़ता नहीं है और सेफ रहता है, इसलिए नवाब उस समय चाइनीज प्लेट में खाना खाया करते थे। चाइनीज हॉल के बाद अब हम देखते हैं यहाँ का सेंट्रल हॉल। बड़ा इमामबाड़ा का जो सेंट्रल हॉल है दोस्तों, केंद्रीय हॉल है, वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चेम्बर बताया गया है। और ये भी कहा जाता है कि ये इस इमामबाड़ा का आप देखोगे ये जो गुंबद हॉल बना हुआ है इसका लगभग ये 50 मीटर लंबाई इसकी है। जो इसका लंबाई आप देख रहे हो, इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो करीब करीब 15 मीटर ये ऊंचा है। आप देखोगे यहाँ पर सामने काफ़ी ताजिया भी दिखाई देंगी और सामने आप देखोगे नवाब की कब्र। नवाब जो हैं आसफुद्दौला, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, उनकी सेंट्रल हॉल के बीचों बीच में यहाँ पर आपको कब्र भी देखने को मिलेगी। देखोगे आप बहुत ही सुंदर ये आपको सेंट्रल हॉल इसका नज़र आएगा, बहुत ही अद्भुत और कलाकृतियाँ आपको नज़र आएंगी। आप देख सकते हो बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ हैं ये, बहुत ही सुंदर आपको सेंट्रल हॉल नज़र आएगा। ये देख सकते हो आप, ये है कब्र जो सेंटर में मैंने आपको जूम करके भी दिखाया, ये उनकी कब्र है, वो भी सेंट्रल हॉल के बीचों बीच में। और यहाँ पर आप लाइन से देखोगे आपको ताजियां दिखाई देंगी, एक के बाद एक ताजियां दिखाई देंगी। आप, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह देखिए एक ताजियां हैं। हर साल की यहाँ पर ताजियां आपको इस सेंट्रल हॉल में रखी हुई मिलेंगी। मुहर्रम में जितनी भी ताजियां दोस्तों निकलती हैं लखनऊ शहर में वो यहाँ पर प्रस्तुत है, मतलब यहाँ पर आपको वो सारी ताजियां देखने को मिलेंगी। और आप देखोगे सेंट्रल हॉल की आकृतियाँ आप देखोगे बहुत ही सुंदर है यहाँ पर, और लाइटिंग वगैरह उस जमाने की ये लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो इन लाइटों को जब जलाया जाता था, सामने आप मिरर देखोगे उन मिरर तक रोशनी जाती थी और सेंट्रल हॉल
पूरा मतलब रोशनी से भर जाता था, पूरी रोशनी हो जाती थी। ये सारे ये दिए लगे हुए हैं लाइटनिंग के लिए, इनको जलाया जाता था। ये जो जितने भी टंगे हुए हैं इनको जलाया जाता था। सामने मिरर लगे हुए हैं, उन मिरर पे ये रोशनी टकराती थी और सेंट्रल हॉल में पूरी तरह से रोशनी होया करती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना अद्भुत है यार ये जो सेंट्रल हॉल है बड़ा इमामबाड़ा का। अब बहुत ही अद्भुत, मतलब क्या सोच के बनाया गया। आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना मतलब कैसा रोशनी होती थी पूरे सेंट्रल हॉल में। और अद्भुत की कलाकृति भी आपको नजर आएगी। आप देखोगे कितने सारे आपको लाइन से ताजिया रखे गए हैं, उसके जो ताजिया के ऊपर आप देखोगे डिजाइन की गई हैं, वो सारी डिजाइन लगभग आपको सेम नजर आएगी दोस्तों। तो बहुत ही अद्भुत ये सेंट्रल हॉल है और सबसे बड़ा सेंट्रल हॉल है दुनिया का। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल हॉल के बाद अब हम आ चुके हैं इंडियन हॉल, और इसको खरबूजा हॉल भी कहा जाता है दोस्तों। आप देख सकते हो खरबूजा का पूरा स्टाइल है, बारीकियां खरबूजा की तरह बनाई गई हैं जो इसकी छत है, इसलिए इसको इंडियन हॉल और खरबूजा हॉल कहा जाता है। क्योंकि कारण भी बहुत बड़ा था, मतलब ये जो यहाँ पर खेती होती थी पहले, इमामबाड़ा से पहले यहाँ पर खेती होती थी, और वो खेती होती थी तरबूजा और खरबूजा की। तो इसलिए उस खेती जगह ये इमामबाड़ा बना, और देश में इस इमामबाड़ा के जैसा कोई और मॉन्यूमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम इंडियन हॉल रखा गया था। और खरबूजा की खेती के कारण इसका जो डिज़ाइन है वो भी खरबूजा की तरह बनाया गया था। आप देख सकते हो यहाँ की छत में, आप देख सकते हो छोटी छोटी आपको बालकनी भी नजर आएंगी, आप देख सकते हो बालकनियाँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी प्रोग्राम या फंक्शन होता था, और तो रानी उस समय पर्दा सिस्टम होता था, तो इस बालकनी में आके जो रानियाँ होती थी इस बालकनी से वो देखा करती थी, या फिर जो और अन्य महिलाएँ थीं वो देखा करती थी। और आप देखोगे इंडियन हॉल के बाद एक और हॉल छोटा सा नज़र आएगा आपको, वहाँ पर भी एक ताजिया नज़र रखी हुई नज़र आएगी, और इसका जो डिज़ाइन है वो हूबहू आपको सेंट्रल हॉल जैसा दिखाई भी देगा। तो आप देखोगे बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलाकृति डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी दीवारें आप देखोगे बहुत ही मोटी मोटी इसकी दीवारें बनी हुई हैं, बहुत मोटी मोटी 10-10 फीट 15-15 फीट तक इसकी दीवारें बनी हुई। तो आप देखोगे बहुत ही मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। सामने आप ताजिया रखी हुई देखोगे, जो भी ताजिया लखनऊ से निकलती हैं, लखनऊ में जो भी हर मुहर्रम को ताजिया निकलती हैं, वो सारी ताजिया यहाँ पर आपको दोस्तों रखी हुई देखने को मिलेगी। इसकी आप छत देखोगे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और जो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा भूल भुलैया। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो इमामबाड़ा, इस इमामबाड़ा की दीवार के अंदर ही भूल भुलैया है। और जब हम उस भूल भुलैया को मतलब भूल भुलैया जब हम घूमेंगे तो इन दीवारों के अंदर घूमेंगे, आप सोच सकते हो बड़ा इमामबाड़ा के दीवारों के अंदर हम घूमेंगे, और उसी को भूल भुलैया भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बड़ा इमामबाड़ा अवध का यानी लखनऊ का, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप भी कभी आए हो या नहीं आए हो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर इसलिए करो बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत ये जो बड़ा इमामबाड़ा है यहाँ का लखनऊ का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।